आज की क्लास में हम बात करेंगे फोक थिएटर फॉर्म नौटंकी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुरमीत सिंह एंड आई एम योर थिएटर टीचर। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल थिएटर स्टडी आर्ट। नौटंकी उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल की लोक नृत्य और नाटकीय शैली है। ये भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका नाम मुल्तान की, जो आजकल पाकिस्तान पंजाब में है, वहाँ की एक प्रसिद्ध लड़की नौटंकी के नाम से पड़ा। नौटंकी और स्वांग में ये अंतर है कि स्वांग में धार्मिक भावनाओं, धार्मिक विषयों को लिया जाता है और नौटंकी में मौज मस्ती, मनोरंजन के विषयों को लिया जाता है। आज के समय में नौटंकी पंजाब से बाहर पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से पहले उस विषय पर बहुत सी नौटंकियाँ हुई जिन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने के लिए प्रेरणा दी। आज के समय में भी दहेज कुप्रथा, आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, ऐसे विषयों पर बहुत सी नौटंकियाँ देखी जा सकती हैं। पुराने समय में नौटंकी किसी गाँव में, गाँव की चौपाल में, स्कूल में, खुली जगह पर की जाती थी, जहाँ पर बीच में एक मंच बना लिया जाता था और 1000-2000 की ऑडियंस को इस मंच के इर्द गिर्द बिठाया जाता था। नौटंकी में भी स्वांग तमाशा की तरह डायलॉग, संगीत, म्यूज़िक, नाच गाना ये सब होता है। इसके लिए म्यूज़िक के लिए हारमोनियम, तबला, डफ, ढोलक, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। नौटंकी में परफॉर्मेंस का विषय आम लोगों की जीवनी, इतिहास या मिथिहास से लिया जाता है। रासलीला और रामलीला में धार्मिक भावनाएं, धार्मिक जीवनी, जैसे श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की, उनको ही लोगों के सामने दिखाया जाता है। लेकिन नौटंकी में सिर्फ मनोरंजन की बात की जाती है, ये सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट करने के लिए परफॉर्मेंस किया जाता है। पुराने समय में सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर और राजा हरिश्चंद्र नामक ये नौटंकी बहुत ही फेमस हुई है। तो ये है नौटंकी की इंट्रोडक्शन। आप भी अपने कल्चर थिएटर के साथ जुड़े रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और उनको अपने जीवन में ढालें। थैंक्स।